साहित्य परिषद के तत्वाधान में जी एक विचार गोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, और इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध पत्रकार निर्मल सक्सेना जी की पुस्तक, निर्मल सक्सेना जी की पुस्तक बरेली पार्ट टू, बरेली पार्ट टू का विमोचन हम लोग कर रहे हैं जी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि निर्मल सक्सेना जी जहाँ एक और बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वहीं वो समाज सेवी भी हैं और लेखन का कार्य भी कर रहे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि एक ऐसी पुस्तक आप लिखें जिसमें बरेली के पत्रकारों का, बरेली के साहित्यकारों का, बरेली के शिक्षा जगत का, बरेली की संस्कृति का वर्णन हो। तो इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जो बरेली की पूरी सांस्कृतिक गतिविधियों का गुलदस्ता है, उसे हम बरेली की इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। शोधार्थियों के लिए वो पुस्तक बहुत लाभदायक है। अगर बरेली पर कोई शोध करना चाहता है तो उसके लिए वो पुस्तक बहुत ही लाभदायक है। इस पुस्तक में बरेली पार्ट टू में निर्मल सक्सेना जी ने ऐसे साहित्यकारों का वर्णन किया है जो बहुत सारे लोग मतलब है सब गुमनामी के अंधेरे में पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने अच्छे मुकाम पाए। तो दोनों तरह के साहित्यकारों का वर्णन इस पुस्तक में है, और इसके साथ साथ बरेली की महाभूमि का वर्णन है। इस पुस्तक के विमोचन पर मैं निर्मल सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई और शाबाश देता हूं। और यहाँ उपस्थित हमारे इस समारोह के बड़े भाई एस के कपूर साहब और संचालन कर रहे रोहित राकेश जी तथा सभी सम्मानित साहित्यकार, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विमोचन समारोह को आकर सफल। राजनगर में है जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज की पुस्तक विमोचन? सबसे पहले तो मैं निर्मल सक्सेना जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा। बरेली कलम बरेली की जो इन्होंने ये पुस्तक निकाली है, ये इनकी दूसरी पुस्तक है, और निर्मल सक्सेना जी के अच्छे पत्रकार भी हैं, एक अच्छे साहित्यकार भी हैं। दैनिक जागरण से आप जुड़े रहे हैं निर्मल सक्सेना जी, और इस पुस्तक में आप देख सकते हैं पूरे बरेली का इतिहास, जैसा कि सुरेश बाबू मिश्रा जी ने बताया। आज इस किताब का विमोचन है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में इस किताब का विमोचन हो रहा है। तो इस किताब में बहुत कुछ नए बच्चों को सीखने को मिलेगा। इस किताब को आप लोग अवश्य पढ़िए, इसमें बरेली के पूरे इतिहास के बारे में, बरेली के ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने बरेली के क्रांति में हिस्सा लिया, कवियों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आदरणीय निर्मल सक्सेना जी ने कलमबद्ध किया है। तो मैं साधुवाद देता हूँ। कुछ दो लाइनें तो कहिए जो आपके लिए फेमस है। वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है, वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कुछ और होगा, कलमकार नहीं है। ऐसे कलमकार निर्मल सक्सेना जी को मेरी पुनः शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं जी। एस के कपूर जी, आज इस शुभ अवसर पर हमारे जाने माने बरेली के पत्रकार निर्मल सक्सेना जी की पुस्तक कलम बरेली की भाग दो का विमोचन हो रहा है। निर्मल सक्सेना जी के बारे में पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि निर्मल सक्सेना जी केवल एक समाज सेवी और एक पत्रकारी नहीं है, वो समय समय पर शासन प्रशासन के सम्मुख जो बरेली की जो कमियां हैं, जो व्यवस्था में कमी है, उसको भी उजागर करते रहते हैं, लिखकर भेजते हैं, सोशल मीडिया पे उजागर करते हैं, और उन पर कुल कई चीज़ों को संज्ञान में लाते हैं और प्रशासन जाके मिलते हैं और उन चीज़ों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पहलू है। मैंने इनका भाग एक पुस्तक को भी पढ़ा है, भाग दो पुस्तक को भी पढ़ा है। वास्तव में बरेली कहने को तो बड़े शहरों के मुकाबले में छोटा है, लेकिन बरेली के अंदर इतनी चीजें छिपी हुई हैं कि मैंने बहुत देखा है। मैंने एक क्विज भी बनाई है 30 प्रश्नों की, मैंने ये पाया कि बरेली वासी ही बरेली के से जो है अनजान है, बरेली के बारे में ही मतलब पूरी तरह से उन्हें ज्ञात नहीं है कि बरेली में क्या क्या है। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि अपने शहर को अपने ही नगरवासियों के सामने लेके आए, और बहुत सी चीज़ों को मैंने भी जब उनका भाग एक पढ़ा तो उसमें से बहुत सी चीज़ों को पाया, नई चीज़ों को, और ये भाग दो के अंदर भी मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, आगे भी वो इसी प्रकार से
सुंदर सुंदर जो है पुस्तकें लिखते हैं। बहुत क्या नाम है आपका? आनंद गौतम जी। गौतम जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज सर्वप्रथम तो अपने अग्रज और बड़े भाई श्री रघुवर सक्सेना जी को बहुत बहुत कोटि कोटि मंगल कामनाएं बधाई देता हूँ इस भाग दो के लिए कलम बरेली के लिए। और पहली पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी और इसको भी पढ़ करके मुझे ही नहीं बरेली के पूरे क्षेत्र में जो जो है वो सब हमारे इतिहास को बता रहा है कि हमारा बरेली का इतिहास कितना समृद्ध रहा है साहित्य में राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम में। मैं पुनः बधाई देता हूँ निर्मल सक्सेना जी को कि भविष्य में भी अपनी कलम से और ऐसे अच्छे कार्य करते रहे जो आगामी आने वाली हमारी पीढ़ी को। मनोज जी मैं भी बरेली का एक अदना सहकवि हूँ और निर्मल सक्सेना जी अभूतपूर्व कार्य करते हैं। बस चार पंक्तियों में इनको शुभकामना दे दूं ताकि ये ऐसे ही कार्य समाज में दिन प्रतिदिन करते रहें कि उन्नति पथ पर चलते चलते कदम आपके रुके नहीं। उन्नति पथ पर चलते चलते कदम आपके रुके नहीं और जीवन पथ पर चलते चलते ये देह आपकी थके नहीं और सांझ की लाली सुबह का यौवन हर पल आपका दामन चुमे खुशियों से भर जाए जीवन आपके आंगन सामन झूमे। भारतीय साहित्यिक परिषद के तत्वाधान के इस अवसर पर आदरणीय बरेली के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय निर्भय सक्सेना जी की कलम बरेली की पार्ट टू की पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि अभी बरेली में ऐसे लोग हैं जो हमें बरेली के इतिहास से परिचित करा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को भी बहुत सारी जानकारियां नहीं थी जो पार्ट वन के माध्यम से हुई हैं और अब पार्ट टू के माध्यम से हुई रही हैं। हम सब साधुवाद करते हैं निर्भय सक्सेना जी को कि आप ऐसे ही हम लोगों को बरेली की गतिविधियों से संस्कृतियों से और यहाँ के जो भी धरोहर है उससे हमें अवगत कराते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत।